यू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मुझे पता चला कि हम लोगों को अनवार भाई और अस्मा जो है वो नाश्ते पे लेके जा रहे हैं, तो बस हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं। आज का दिन काफी बिजी है, आज हम जुमेरा बीच भी गए, तो चलें आज क्या होता है। कितने रुपए? 2 रुपए एक घंटा? 2.5 रुपए पर आवर है। 2.5 रुपए पर आवर, पर आवर है, बहुत महंगी है। हमने पूरे साल के लिए भी इसे लेके, एक मिनट भी ऊपर नीचे, एक मिनट नहीं 10-15 मिनट अगर ऊपर हो जाए ना फॉरन फाइन। आपने 2 रुपए लगाए थे, अब आपके एक घंटा जाके मार्केट से। ये 90s में, कभी 80s में बनी हुई। हम तो नहीं सारे उमरे पे जाते हैं बसों में, जो बस का उमरा है वो यहाँ से होता है शाहजहाँ। तो बस अचानक से नाश्ते का प्लान बना और कहीं जाना हो और मैं जल्दी तैयार ना हूँ, ये नहीं हो सकता। मैं बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हूँ फ़ौरन जाने के लिए, और ये बात काफ़ी फेमस है मेरे घर में कि मैंने कहीं जाना हो और कोई देर हो जाए, ये हो नहीं सकता। मैं बड़ी बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, हर टाइम जाने के लिए मैं तैयार रहती हूँ। ये 1987 की दुकान है, ये देखिए। अच्छा, ये यहाँ पाकिस्तानी मार्केट है, यहाँ पे हलवा पूरी और नाश्ते के लिए सारे आते हैं। आज हमें ये लोग यहाँ पे नाश्ता करवाने के लिए लाए हैं, और आज हम देखते हैं कि यहाँ का नाश्ता कैसे होता है। शॉप तो बड़ी प्यारी सी है, और आ गए हैं अनवार भाई हमें लेकर आए हैं, और अब हम तो पाकिस्तानी चौक, यहाँ का बड़ा ही फेमस चौक है। यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, निहारी मिलती है, इवन यहाँ पे नान, चने और मेरा ख्याल है बोंग काय का भी सारा यहाँ मिलता है। तो बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता था। अच्छा, गर्मा गर्म पूरियाँ और मज़ेदार तरकारी के साथ जब नाश्ता हमारे आगे आया तो हमें कराची की बड़ी याद आई, और जब उसके बाद हमने लस्सी और नान चने और ये वो नाश्ते देखे और खाए तो हमें अपने लाहौर की बड़ी याद आई। तो बड़े मज़े का नाश्ता इन्होंने हमें करवाया, और पाकिस्तानी चौक कहलाता है, शारजा में ही है ये भी। तो हम बस चल रहे हैं। ये इनका पुराना जो दुबई का वो था ना कल्चर, ये लकड़ी वुडन बोट बनाते थे, सही। तो उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर, अब तो मेटल बोट है ना। अब देखिए, वॉक करो, आप थक जाओगे, कंडीशन ही खत्म हो गई। ये सारी वो माफ़ करें, मुझे तो पानी देख के खौफ आता है। तो बस अब हमें जल्दी से घर भी जाना है क्योंकि हमें जुमेरा बीच के लिए निकलना है। तो चलें चलते हैं। तैयार हो तुम लोग? जल्दी बैठ रहे हैं सारे, शराज चाचू ने फुल माहौल बनाया हुआ है, और यहाँ आ गई है हमारी टैक्सी, और अब हम बैठने लगे। लोकेशन लगा रही है और पूछ रहे हैं लोकेशन में क्या लिखूं, जुमेरा बीच नहाने वाला। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे समझ आई है कि जो समंदर है ना पाकिस्तान का, वो भी हम मासूम पाकिस्तानियों के साथ ना गेमें गा रहा है, जैसे हुकूमतें हमारी गेमें चला रही हैं ना हमारे साथ। मुझे लगता है पाकिस्तानी समंदर भी हमारे साथ ना गेमें गा रहा है। यहाँ पे सर्दी नहीं है, लेकिन कल जब हमें थे तो वहाँ अच्छी भली हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, उसी दिन बस चली है, बाकी तो नहीं है। और बाकी बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बड़ा ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, हर चीज़ साफ सुथरी, बहुत अच्छी जी। हम सामने जो है ना वो आइलैंड है, और मेरा दिल कह रहा है कसम से कि मैं यहाँ जाऊँ। लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे अपने घर बनाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, दिल कह रहा है मैं भी पहुँच जाऊँ जल्दी से। अगर आ गए हो रायमीन, शराज चाचू, महविश चाची, रायमीन, और ये मेरी दूसरी बेटी भी आ गई रामी, और हमारा वो तीसरा छोटा। कितना प्यारे कलर्स हैं, यहाँ से ग्रीन है,
वहाँ से ब्लू है। रायमीन नो रायमीन, ज्यादा आगे नहीं। यहाँ पानी भी काफी तेज है। समंदर बहुत तेज है यहाँ पर। हाँ तो बस सारा दिन निकलने के बाद दिल किया कुछ खाने को, और रास्ते में ही मुझे एक शॉप नज़र आई तो मैंने सोचा क्यों ना उसका भी चक्कर लगाया जाए। एक सारा तो बस सारा दिन घूमने के बाद काफ़ी थकावट भी महसूस हो गई थी, खाना वाना भी खा लिया था, तो अब सोचा कि क्यों ना घर की तरफ निकला जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।